का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को, बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को, आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। एक नौकरी पाने के लिए चार चार पांच पांच साल इंतजार करना पड़ रहा है। आपका एग्जाम का रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाता है, आपके काम के मुद्दे तो एक हफ्ते में निमट जाते हैं, और बच्चे यहां पर चार चार पांच पांच साल तक एक नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं, और वो आंदोलन करते तो पुलिस उन पर लट्ठे बरसाती है, उनको भगा देते वहां से। मैं एक और बात दिखाता हूं, आप देखिए रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी का 1 मार्च 2019 को नोटिफिकेशन आता है, बंपर वैकेंसी आते हैं 90,000 से ज्यादा, लगभग 1,00,000 वैकेंसी आती हैं, हैं? और ये भी पता है, ये चुनावी लॉलीपॉप है कि चुनाव से पहले बच्चे दिखाएंगे, बच्चे खुश, अब तो रेलवे में नौकरी करेंगे, जिंदगी आसान से गुजरेगी। 2.5 करोड़ से ज्यादा फॉर्म उसमें जाते हैं, 500 रुपए फीस ले लेते हैं एक बच्चे से कि 500 रुपया हमको फीस दे दो, और 100 रुपया केवल एग्जाम फीस है, 400 रुपया सब्सिडी की तरह आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। मतलब कुल मिला के अगर 2 साल से एग्जाम नहीं हो पाया, 550 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं, अभी तक वेंडर डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन एग्जाम लेगा। अगर तुमको चुनाव के लिए फंड इकट्ठा करना था, चंदा मांग लेते, हर आदमी चंदा दे देता। इतना बड़ा धोखा इस गवर्नमेंट ने किया है ना हम लोगों के साथ, और मीडिया इसको दिखाने के लिए तैयार नहीं है। सुबह से शाम तक एक ही न्यूज दिखाते रहेंगे, दो बातें 24 घंटे में सर्कुलेट करके वही बताते रहेंगे, एक इधर से बताएगा, एक ऊपर से बताएगा, एक नीचे से बताएगा, बोलना कुछ है नहीं इन लोगों को। ठीक है, देखो ये मैं तुम्हें वैकेंसी का ट्रेंड दिखाता हूं, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, एसएससी सीजीएल 2012 में 16,000 वैकेंसी, आप देखिए गिरावट किस तरीके से होती है, 13 में 16,114, 2014 में आते ही 15,000, 2015 में 8,500, 16 में 10,000, 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेकर 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम, और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साला नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाई साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई, हमको नौकरी चाहिए। एक जो बेरोजगार युवा होता है उसकी बहुत छोटी सी दुनिया होती है, वो 2 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ के फंडे में नहीं घुसता, 35,000-40,000 रुपए उसके महीने की तनख्वाह आनी चाहिए, उसके घर में रोटी बननी चाहिए शाम से, है ना, आराम से, उसके पास इतने ही सपने होते हैं। इस सपनों को उससे छीनने की कोशिश मत करो भाई। और गवर्नमेंट ने ये अभी लॉलीपॉप दे दिया आपको, सीटी का, कितनी भी अच्छी योजना सही, इसका कोई फायदा नहीं है। हमें सीटी नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा कमीशन चाहिए जिससे एग्जाम जल्दी हो, 1 से 1.5 साल में सारी प्रक्रिया खत्म करके हमारे हाथ में नौकरी और तनख्वाह दे, हमें ऐसा कमीशन चाहिए। सीटी से बढ़िया यह होता कि जिन बच्चों का सीएचएसएल का पेपर अटका हुआ है, एनटीपीसी आरआरबी अटका हुआ है, एमटीएस लटका हुआ है, सीजल मेंस नहीं हो रहा टाइम से, आने वाले पेपरों का कुछ आता पता नहीं है, कि इन रुके हुए पेपर को जल्दी करा के बच्चों की ज्वाइनिंग दे। आपके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, तो साफ साफ बोल दो कि हम तो भिखमंगे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, आप गवर्नमेंट जॉब खत्म कर दो, बाकी 2024 के चुनाव में हम लोग देख लेंगे, हम अपने हिसाब से देख लेंगे तुम्हें। फिर आप कुछ बोलते नहीं हो, सीधा सीधा सब छुपाए चले जा रहे हो। देखिए ये हर एक स्टूडेंट की लड़ाई है और आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। तो ये एक हैशटैग है ट्विटर पे, देखो हम भगत सिंह के जमाने से तो है नहीं कि हम सड़कों पर आके विद्रोह करेंगे, क्योंकि सड़कों पर आके विद्रोह करेंगे तो कूटे हम ही जाएंगे, हम लोग एंटी नेशनल और हम लोगों के ऊपर उल्टे सीधे चार्ज लगेंगे। तो हम सोशल मीडिया में बहुत प्यार से और बहुत तमीज से अपनी बात रखेंगे। 1 सितंबर को 11 बजे से हम एक हैशटैग ट्रेंड करेंगे, हैशटैग एसएससी डिक्लेयर सीजीएल रिजल्ट। जितने भी स्टूडेंट हैं
सारे के सारे स्टूडेंट अगर 1,00,000 ट्वीट होगा ना, 15 दिन तक ट्रेंड करेगा। और आप फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आप मेल करो एसएससी को, आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आप उसको मेल करो, अपने फेसबुक पे शेयर करो, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर हैंडल पे, तब जाके कुछ होगा। वरना ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी, ये नई नई चीजें आती रहेंगी और बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा। ठीक है भाई, बस एग्जाम के टाइम को टाला जाएगा और ऐसी कहानी चलती रहेगी आगे तक। ये साल के साल ऐसे ही निकलते जाएंगे और बेरोजगारी का लेवल बढ़ता जाएगा। 10 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हमारे देश में। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते रहे पॉपुलेशन भी तो बढ़ रहा है, कितना नौकरी देगा सरकार। भाई पॉपुलेशन बुढ़ों का थोड़ा ना बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है जवान लोगों का। हमारे पास पॉपुलेशन नहीं, हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ रहे। पहले घर में एक आदमी कमाने वाला था, आज घर में 5 आदमी जवान कमाने वाले हैं, लेकिन वो 5 के 5 घर में बैठे खाली। अगर वो आदमी, अगर एक एक आदमी 50,000 रुपए कमा के लाएगा तो 2,50,000 रुपए महीने घर में आएगा। आप कहते हो आत्मनिर्भर बनो, आपने छोटे मोटे बेरोजगारों के सारे धंधे खत्म करवा दिए, उल्टी सीधी पॉलिसी ला ला के कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे। तुम लोग हम पे निर्भर हो, सरकार हम पे निर्भर है और हम आत्मनिर्भर बन जाएं। प्राइवेट नौकरी का पता नहीं, सरकारी नौकरी को तुम खाएंगे, 5-5 साल में क्लियर हो रही, अरे 5 साल में भी क्लियर नहीं हो रहा। इस तरीके का हाल देख लो। या सुबह से स्टूडेंट का मैसेज आता है, बार बार फोन आता है, कभी कभी तो ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर 200 रुपया पेटीएम कर दो, 1,000 रुपये सर डाल दो, कोर्स फ्री में दे दो, सर पढ़ना यहाँ अटके हुए हैं, पिताजी की जॉब चली गई, सर कोई टाइपिस्ट की जॉब दे दो, कंटेंट राइटर की जॉब दे दो, मैं क्या करूं, क्या कर सकते हम। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के एक ही विनती कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट है, डेली के डेली ट्विटर पे ट्रेंड कराओ #SSCCGL डिक्लेयर रिजल्ट, और इसके साथ साथ बॉयकॉट मीडिया, बॉयकॉट गवर्नमेंट। आप जो भी आपके मुद्दे, उन मुद्दों को शांतिपूर्वक देश के सामने रखो, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। घर में बैठे बैठे तुम्हारी बात कोई नहीं सुनना जाएगा। सरकार को केवल अपने वोट बैंक खोने का डर है, उसके अलावा सरकार को और कोई डर नहीं है। तो उनको वो डर दिखाओ कि अगर ये बहाली नहीं हुई तो 10 करोड़ वोट अगले चुनाव में गए तुम्हारे, सड़क पे ले आएंगे, तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज तुम्हारे मुद्दों को कोई सुनने वाला नहीं है। ये आज का कड़वा सच है। और मीडिया, हमारी मीडिया के तो मैं तुम्हें किस्सा बताता हूं। हमारी मम्मी गांव में रहती है, तो गांव में सीडी डीवीडी पे फिल्में देखते थे, न्यूज चैनल टीवी डिश नहीं लगा हुआ था। हम दिल्ली में आए, दिल्ली में शिफ्ट हुए, हमने यहाँ पे डिश लगवाया पहली बार, उस पे आज तक चैनल लगाया। तो कई दिनों तक मम्मी ने न्यूज सुना, फिर एक दिन मम्मी बोली भैया गगन याकू बंद कर दे और कान्हा जी के भजन लगा दे तू। ये तो बिके हुए लोग हैं। एक लेडी जो पढ़ी लिखी नहीं है, मेरी मदर, वो 4-5 दिन देख के, जिनको मैंने कभी नहीं बताया कि मीडिया ऐसे बिका हुआ है, रोज टुकड़ा जाता है वहां से सरकार से इनके इनके लिए, और उनको ये पता चल गया कि ये बिका हुआ लोग है, इसने अपना जमीर बेच रखा है। क्या तुमको नहीं दिखता? मीडिया सरकार की पॉलिसी की केवल वाहवाही करता रहता है, वाहवाही करता रहता है। मोदी जी ने किसी आदमी को 200 रुपया दान दिया तो सरकार वाले दिखाएंगे, देखो कितना करारा नोट दिया है ना, कितना करारा नोट दिया, अब इससे बढ़िया खाना खाएंगे, इनकी ताकत आएगी, और उसकी इतनी गुणगान, उसकी इतनी वाहवाही कर देंगे ना कि क्या ही बताओ। और जो काम के मुद्दे वो ऐसे कहीं छुपक, ऐसे डुबक जाते, कोई दिखता नहीं। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, आज या एक दो दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी गवर्नमेंट को फटकार लगाई, और फटकार में क्या सीधे सीधे शब्द बोले उन्होंने कि आपकी जितनी भी पॉलिसी हैं सब एक तरह के ढकोसला हैं और ये सरकार पाखंड से घिरी हुई है। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला, ये कोई मीडिया तुमको नहीं दिखाएगा कि ये सरकार की पॉलिसी पाखंड से घिरी हुई है। मैं क्या बोल सकता हूं? आप एसएससी कमीशन को मेल डालो, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब कमेंट पे,